नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं आज सोम का अगला लेक्चर जो कि 65 लेक्चर होगा, जिसका आप लोग को हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। पिछले 64 लेक्चर में हम 1 to 6 सारे लेक्चर्स, सारे क्वेश्चंस, थ्योरी और क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो अब अगला हम सब लोग 65 में चैप्टर 7 जो कि टॉर्सन ऑफसेफ्ट है उस पर बात करेंगे। टॉर्सन ऑफसेफ्ट को आज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सारी चीजें AE और JE सबके लिए एप्लीकेबल है। तो किसी भी AE और JE एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप रेगुलरली वॉच करते रहिए, पिछले हमारे सारे लेक्चर 1x1 सीरीज में देखते रहिए, और सब लोग, ठीक है, सब लोग इसको ज्वाइन करें। बहुत बेहतरीन सेशन होगा, आपको 100% सीखने को मिलेगा। आप हर एक एग्जाम में इन सब के क्वेश्चंस को पाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट आपका गया टॉर्सन। टॉर्सन क्या है और सैफ्ट क्या है? तो सैफ्ट आप लोगों ने मल्टीपल जगहों पे देखा होगा, जहां पे पुली लगी होगी, एक बेल्ट द्वारा एक सैफ्ट से दूसरे सैफ्ट में पावर ट्रांसमिट हो रहा होगा। सैफ्ट अगर आप देखें ध्यान से तो एक सर्कुलर रोटेटिंग एलिमेंट होता है। सैफ्ट चाहे वो आपके पंप का सैफ्ट हो, चाहे मोटर का सैफ्ट हो, चाहे ऐसी इंजन का सैफ्ट हो, किसी का भी सैफ्ट हो सकता है। अगर आप गन्ना पेरने वाली मशीन्स पर भी जा रहे हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे सैफ्ट्स लगे होंगे। उस पर गियर होगा, पुली होगी, फ्लाईव्हील्स होंगे, की द्वारा माउंटेड होंगे। तो सैफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट है, सर्कुलर रोटेटिंग एलिमेंट है। सैफ्ट इज अ सर्कुलर रोटेटिंग एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन सैफ्ट टू अनदर सैफ्ट। तो स्विफ्ट सैफ्ट ओनली क्या होगा? सर्कुलर एलिमेंट। ये एक आपका क्या होगा? सर्कुलर एंड रोटेटिंग एलिमेंट। सर्कुलर एंड रोटेटिंग एलिमेंट, सैफ्ट इज अ सर्कुलर रोटेटिंग एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड टू कैरी द पावर। व्हाट इज पावर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पावर। एंड पावर, पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम, वर्क एंड टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर इज इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। एंड वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement, then power equal to force and displacement upon time. Force and displacement upon time. You can write force into displacement upon time, and displacement upon time is also known as velocity. Then power equal to force into linear velocity. The first definition is power. The first definition of power is the ratio of work and time. It is the ratio of work and time is known as power. The second definition is power equal to force into displacement upon time, and displacement upon time is known as linear velocity. Then power is equal to force into linear velocity. The product of force and linear velocity is known as power. Next, if you have force and linear velocity, then you can calculate easily the power of anybody, anything. ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट। देन यू कैन ऑल्सो राइट फोर्स इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी अपॉन रेडियस। हियर वी हैव मल्टीप्लाइड आर एंड डिवाइडेड आर, सो नो चेंज। फोर्स इनटू रेडियस इक्वल टू टॉर्क, एंड वेलोसिटी अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। देन पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। Then power equal to work upon time, force into linear velocity, torque into angular velocity. ठीक है, okay. तो अब हम सब लोग टॉर्सन ऑफ सैफ्ट में पावर कैरिंग एलिमेंट पढ़ने वाले। पावर कैरिंग एलिमेंट क्या है? सैफ्ट है, और सैफ्ट में पावर ट्रांसमिट करना। और पावर क्या होता है? तो पावर आपका बेसिक अगर देखा जाए तो वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी और टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यही होता है। अब क्वेश्चन है, रोटेशन की बात है तो ये फार्मूला, ट्रांसलेशन की बात है तो ये फार्मूला, वर्क दिया है तो ये फार्मूला, कौन सा कब एप्लीकेबल होगा ये तो हम डिसाइड करेंगे ना।
कि कैसे कब कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गिवन एंगुलर वेलोसिटी पर, गिवन एंगुलर वेलोसिटी पर अगर हम ध्यान से देखें तो टॉर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन कितना टॉर्क कैरी कर सकता है। तो अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, टॉर्सन अगर हम बात करें तो व्हाट इज पावर, पावर इक्वल टू आया, पावर इक्वल टू आफी जब लोगों ने देखा वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी एंड टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर ये दोनों हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है, बिकॉज हियर नो वर्क इन टाइम एंड नो लीनियर वेलोसिटी एंड फोर्स, हियर ओनली एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड विद शाफ्ट, और इफ यू हैव दिस रिलेशन टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी देन वी विल अप्लाई फॉर कैलकुलेशन ऑफ पावर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ पावर के लिए हम लोग टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी को अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहां रोटेशन की बात है। अब जब आप इसको अप्रोच करेंगे तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी तो आप जो चाहेंगे 200 आरपीएम, 400 आरपीएम, 800 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 3000 अगर आपका टर्बाइन का रोटर है तो ये आपका बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब सारी चीजें डिपेंड किस पर आने लगेंगी, टॉर्क, टॉर्क डिसाइड करेगा कि कितना पावर ट्रांसमिट होगा। हर कोई शाफ्ट एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आया कि टॉर्क कैसे डिसाइड करें, क्वेश्चन हमारा अब सामने आया कि टॉर्क कैसे डिसाइड करें। तो टॉर्सन में यहां पर टॉर्क है क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क। अब आपने टॉर्क फील किया, सोचा, जब आप कपड़े को ऐसे निचोड़ रहे होते, क्लॉथ को क्या है वॉश करने के बाद आप ऐसे ट्विस्ट कर रहे थे, इसको घुमा, तो ये ट्विस्टिंग ही क्या है, टॉर्क है। कान आपका कोई ऐसे ऐड रहा होता तो ये टॉर्क है, ऐसे मोड़ना नहीं, ऐसे घुमाना, घुमाना क्या है, टॉर्क है। टोटी आप ऐसे घुमा रहे, टोटी ऐसे घुमा रहे तो ये क्या है, टॉर्क है। तो अब इसको डिफाइन तो करो, ऐसे बताने से थोड़े होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा कोई एलिमेंट है, दिस इज अ एलिमेंट एंड एलिमेंट एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एलिमेंट। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एलिमेंट, ओके, एंड दिस इज, this is both, both are the transverse axis, both are the transverse or lateral axis, longitudinal axis is perpendicular to the cross section and transverse axis lie on the cross section, transverse axis lie pura lette hain kisme on the cross section, while longitudinal axis is perpendicular to the cross section. Dhyan sochiyega, the movement about, movement couple about longitudinal axis is known as torque, the rotational, ab jaise ye aap kya kar lenge apne apni fingers ko, right hand ki finger pehla first right hand ki finger ko aap kya karenge movement ki direction mein aap apni fingers ko curl karenge, angutha kya batayega direction batayega, thumb aapko direction सो करेगा। तो जब आप ऐसे कर्ल करेंगे और थंब आपको क्या बताएगा डायरेक्शन, तो आप जब कर्ल किए क्या थंब आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बता रहा है इस समय, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जो भी कपल होगा, द कपल अबाउट, कपल, कपल दो तरीके का, एक आपका लॉन्ग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये क्या होगा अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट या लेटरल एक्सिस के अबाउट, इसको हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट, ये बेंड कराने की टेंडेंसी रखेगा। द कपल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, द कपल अबाउट व्हाट, the couple about longitudinal axis is known as torque,
इज नोन एज टॉर्क. ओके, और टॉर्क और इसी टॉर्क को क्या बोलेंगे? ट्विस्टिंग मोमेंट. इसी को हम सब लोग क्या बोलेंगे? ट्विस्टिंग मोमेंट. ओके, द कपल मोमेंट अबाउट टॉर्सनल एक्सिस इज नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट. ऐसे जैसे इसको है तो एक ऊपर नीचे मोड़ देना, आपकी तरफ मोड़ देना, एक ऐसे घुमा देना, ऐसे घुमा देना, ये ट्विस्टिंग है. तो इस सिचुएशन में आप ऐसे घुमा रहे हो तो अंगूठा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या लॉन्ग हो गया कि नहीं? तो अंगूठा क्या बता रहा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और उसके अबाउट जो भी आपका कपल मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? टॉर्क. और टॉर्क की वजह से जब आप टॉर्क कराओगे ऐसे, अब यहां पर अगर कोई एक लाइन होती, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती, तो जब आप घुमाओगे तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा और ये थोड़ा सा ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. ये इनिशियल था, ये आपका इनिशियल था और ये क्या था? फाइनल. तो ऐसे सिचुएशन में आप जब इसको घुमाए, जब आप सरफेस पे ऐसे घुमाए, तो ये वाला पॉइंट आगे आ गया और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा पीछे चला गया. ऐसे बात समझ में? तो ट्विस्ट होने पर जो लाइन पहले स्ट्रेट थी अभी भी स्ट्रेट है, जो लाइन पहले स्ट्रेट थी वो अभी भी स्ट्रेट ही है, तिरछा पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा. किसके अबाउट? जो लाइन लॉन्गिट्यूडनल के पहले पैरेलल हुआ करती थी, जो लाइन आपका लॉन्गिट्यूडनल की क्या है? पैरेलल. अब वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई, तिरछी हो गई. किससे? लॉन्गिट्यूडनल से. ऐसे अगर मल्टीपल लाइंस हम ड्रॉ करें तो हर कोई क्या होगा? ट्विस्ट हो जाएगा. तो अब थोड़ा सा ध्यान से हम सब लोग पढ़ते हैं. व्हाट इज टॉर्सन? बी हम सब लोग ने क्या किया? बेसिक जो टर्म्स थे, बेसिक टर्म्स को समझा. अब डायरेक्शंस कैसे अप्रोच होगा, क्या होगा, तो बात करते हैं. टॉर्सन ऑफ शाफ्ट्स. अब जब भी आपका कोई शाफ्ट होगा, रोटेटिंग एलिमेंट होगा, तो आप एक तरफ क्या करेंगे? जैसे रोटेटिंग एलिमेंट शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, यहां पर आप टॉर्क सप्लाई करेंगे, ये आपका इनपुट टॉर्क है, और यहां पर जो पुली लगा होगा वो रेजिस्ट करेगा. वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, या इसी को आउटपुट टॉर्क कहेंगे. यहां देखिए, आप जैसे मोटर ही है, तो मोटर में आपका मोटर एक साइड, उसी साइड में एक साइड पावर सप्लाई करेगा, दूसरी साइड उस पर पुली लगा होगा और पुली किसी बेल्ट से जुड़ा होगा, या गियर लगा होगा किसी गियर से जुड़ा होगा, तो गियर उस शाफ्ट को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टिंग टॉर्क देगा. तो ध्यान दीजिए, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट. शाफ्ट आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर. शाफ्ट को जनरली किस लिए यूज करते हैं? पावर ट्रांसमिट करने के लिए. तो शाफ्ट्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर. और पावर आप बेसिकली जानते हो, वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फिर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी. एंड इन दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस में जैसे आपको पावर यहां पे घुमाए वो घूम जाए, इन दैट प्रोसेस दे आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टॉर्क्स. दो टॉर्क्स उस पर लगेंगे, एक जो सप्लाई का और दूसरा जो रजिस्ट का. और ड्राइविंग टॉर्क एक आपका क्या होगा? ड्राइविंग टॉर्क होगा, ड्राइविंग टॉर्क जो आपका इनपुट टॉर्क होगा. ड्राइविंग टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज इनपुट टॉर्क. और इनपुट एंड पर, इनपुट एंड पर आपने ड्राइविंग टॉर्क दिया, जिसे आपका फैन ही रोटेट कर रहा है, तो फैन में इनपुट एक तरफ से और एक तरफ से एयर वहां पर रजिस्ट कर रही, बियरिंग रजिस्ट कर रही. तो अब क्या होगा? एंड ड्राइविंग टॉर्क एट द इनपुट एंड, एंड रजिस्टिंग टॉर्क, विरोधी टॉर्क एट द एंड ऑफ आउटपुट एंड. और बोथ जो होंगे, जैसे इनपुट इधर दिए तो रेजिस्टिंग अपोजिट होगा, रेजिस्टिंग क्या होगा? अपोजिट होगा. तो बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में. अगर आप टोटी भी खोल रहे हैं तो टोटी आप इनपुट एक तरफ दिए, सेट दूसरी तरफ अपोज कर रहा है, दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, सेट ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा. अगर आप कपड़े को केवल एक तरफ घुमाएं, कपड़े को केवल एक तरफ घुमाएं, तो पूरा कपड़ा रोटेट कर जाएगा, ट्विस्ट नहीं होगा. उधर अब जैसे उधर आप रजिस्ट नहीं कर रहे हैं, तभी कपड़े का वेट या एयर या कोई चीज रजिस्ट तो कर रहा है, इसलिए ट्विस्ट हो जाएगा. अगर रजिस्टिंग ना आए तो सिर्फ रोटेशन होगा, तब आपका ट्विस्टिंग नहीं होगा. पर आप हमेशा जब भी कपड़ा निचोड़ेंगे तो इसको इधर घुमाते, इसको इधर घुमाते, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इनपुट और दूसरा रजिस्टिंग आउटपुट. बात समझ में आ रही? तो बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन. नेक्स्ट, टॉर्सन क्या है? देखिए, टॉर्क तो एक भाई आपका कपल मूवमेंट है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, टॉर्क एक, पर टॉर्सन क्या है? किसी टॉर्क लगने के कारण,
किसी टॉर्क लगने के कारण मटेरियल का ट्विस्ट हो जाना टॉर्शन है, बात समझ में? पर टॉर्शन, टॉर्क, ट्विस्टिंग एक दूसरे से लोग इंटरचेंज करते रहते हैं। टॉर्शन एक प्रोसेस है और टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट एक कपल मूवमेंट है। टॉर्शन आपका बेसिकली का एक प्रोसेस है, टॉर्शन एक सिंपल प्रोसेस है। तो आगे खैर, टॉर्शन रिफर्स क्या करता भाई? टॉर्शन रिफर्स किस बात को बताता है? टॉर्शन रिफर्स टू द ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और मशीन मेंबर्स। टॉर्शन जो बताता है ये किसी मशीन मेंबर का ट्विस्ट होना या फिर किसी स्ट्रक्चर का ट्विस्ट होना बताता है व्हेन इट इज लोडेड बाय अ कपल्स। तो टॉर्शन एक प्रोसेस हुआ ना, जब एक कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है और इसमें आपने टॉर्क लगाया, ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, इसको क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, तो इसकी वजह से ट्विस्ट हो जाना, इसकी वजह से क्या ट्विस्ट हो जाना आपका टॉर्शन कहलाता है। तो टॉर्शन रिफर्स टू द ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल और मशीन मेंबर्स, स्ट्रक्चरल या फिर मशीन मेंबर व्हेन इट इज लोडेड बाय कपल्स दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूड। कौन सा कपल भाई? कपल तो कई तरीके हो सकते हैं, तो कौन सा कपल दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो फिर से टॉर्शन ये बताता है कि ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट या फिर मशीन एलिमेंट जिसकी वजह से, जो किसकी वजह से आया, जो एक ऐसे कपल के वजह से आया जो कपल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है। तो बेसिकली इसको लिख सकते थे टॉर्शन रिफर टू द ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मशीन मेंबर्स, ठीक है, व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग मूवमेंट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क, क्योंकि इसका डेफिनेशन जो लिखा कपल्स दैट प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इन सब का एक ही वर्ड है, इतने सब के लिए सिर्फ एक ही वर्ड लिखा जा सकता है, कपल दैट प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज टॉर्क। यही तो क्या कहलाता है, यही तो आपका टॉर्क कहलाता है। तो बेसिकली आप वो छोटी सी लिख सकते थे डेफिनेशन, टॉर्शन इज द ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मशीन एलिमेंट when it is loaded by torque, आगे लिखा the couples which produce twisting of structural member is called twisting couple or twisting moment। कोई भी couple जो twist कराए, अब twist करना क्या होता है कि जो axis आपके parallel थी वो थोड़ा सा inclined हो जाए, ट्विस्ट करना क्या हुआ कि जो एक्सिस आपके पैरेलल हुआ करती थी, जो लाइन आपके पैरेलल किसके पैरेलल थी, लॉन्गिट्यूडनल के, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए। बात समझ में आ रही ना? तो नेक्स्ट, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग या कपल्स कौन सा, कपल्स व्हिच प्रोड्यूस ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड ट्विस्टिंग कपल और ट्विस्टिंग मूवमेंट। इस पर हम सब लोग ने पहले से भी ढेर सारे लेक्चर कर रहे हैं। अब इसमें दो तरीके का होता है कि डायरेक्ट आप क्या दिखा दो, आप दिखा दो कि टॉर्क ऐसे लग रहा है, ये ऐसे इधर इक्विलिब्रियम में T1 T2 बराबर होंगे। तो एक कर्व एरो से दिखाने का तरीका है, एक तरीका क्या है, कर्व एरो से आप दिखाएं, एक आप कर्व और दूसरा क्या रहता है, जैसे अभी इसी को हम ध्यान से देखें तो इस सेक्शन में बात करें, आप राइट हैंड रूल लीजिए अपने राइट हैंड को, क्या ये इस सेक्शन की ओर है, ऐसे डबल लाइन खाते, जब आप इसको घुमाए, तो क्या इसकी ओर है, तो ऐसे दिखा दो, यहां लिख दो टॉर्क T1। और क्या ये, आप ध्यान से देखो ऐसे इसको बाहर क्यों लाए, आप उंगली पलट के लिए, तो हमेशा आप उंगलियों को अपने टॉर्क की डायरेक्शन में घुमाएंगे, जैसे इसी में, तो ये बाहर की तरफ था, वो अंदर की तरफ था तो इधर आए, और ये जब बाहर की तरफ घुमाएंगे तो ये भी तो इधर ही होगा, टुवर्ड्स द प्लेन ही होगा, तो इसको T2 लिख दिए। तो एक तरीका है कि कर्व एरो से शो करें, एक तरीका क्या है कि जैसे ऐसे कर्व घुमा हुआ एरो दिखा दे, घुमा हुआ क्या दिखा दे, एरो। और दूसरा तरीका है कि हम राइट हैंड रूल से दिखाएं, तो जब इसका ये T1 बता ही रहा है कि ऐसे की तरफ घुमा रहा है, ऐसे T2 जो बता रहा है, ये बता रहा है कि बाहर की तरफ, हमेशा राइट हैंड से ही देखेंगे, ये नहीं कि इसके लिए लेफ्ट नहीं, हमेशा राइट हैंड से। तो इसमें भी जब आप बाहर की तरफ ऐसे लाएंगे, उसमें अंदर गया था तो इधर आया, इसमें बाहर लाएंगे तो भी ये टुवर्ड्स द प्लेन ही होगा,
तो दो तरीका होता, फर्स्ट कर्व एरो, सेकंड डबल हेडेड एरो फॉलोइंग द राइट हैंड रूल। जो डबल हेडेड एरो है वो कैसे बनाया गया, वो राइट हैंड रूल से बनाया गया। डबल हेडेड एरो जो बनाया गया वो किससे बनाया गया, राइट हैंड रूल से। तो ये आपका कोई एक सैप था, इस पर आपने डबल हेडेड एरो T1 क्यों लिखा टुवर्ड द इधर, तो क्योंकि हम राइट हैंड रूल से समझे कि जो थंब आ रहा था वो इधर ही आ रहा था। तो डबल हेडेड एरो राइट हैंड रूल। अब इसमें जैसे पॉजिटिव टुवर्ड द सेक्शन, पॉजिटिव जो होगा वो किधर होगा, टुवर्ड द सेक्शन, और निगेटिव क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेक्शन। अब डबल हेडेड एरो में हमें क्या होगा कि पार्ट वाइज भी टॉर्क पता करना होगा कि हर एक सेक्शन में क्या टॉर्क है, तो वो हम सब लोग किसी सेक्शन पर नेट अगर निकालना होगा, मल्टीपल टॉर्क्स लगे हुए तो किसी भी सेक्शन पर नेट टॉर्क जो होगा, जो टुवर्ड्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। हम सब लोग ने ये एक दूसरे से विचार करके एक अपना नियम आधारित किया, और ये नियम किताबों में भी है, आपको भी समझना है कि अगर आपके टुवर्ड्स द सेक्शन है, जो भी टॉर्क आपके सेक्शन की ओर है वो पॉजिटिव लेंगे, और जो आपके सेक्शन से दूर है वो निगेटिव लेंगे। इन सब के बाद नेट अगर आपकी ओर आए इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, नेट आपसे दूर आए तो इसका मतलब निगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, ये देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर आपको ध्यान से देखना हो तो पहले एक आपका क्या था, एक कोई सैप था, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई एक आपका सैप था, और उस सैप में आपको एक जाल की तरह स्ट्रेट लाइन सरफेस पर दिखाई गई और रिंग्स हैं, स्ट्रेट लाइन दिखाई गई और क्या है, रिंग्स हैं। जब आपने टॉर्क लगाया, जब आपने घुमा के ऐसे टॉर्क लगाया, जब आप घुमा के टॉर्क लगाए तो हर एक लाइन क्या हो गई, हर एक लाइन आपकी इंक्लाइंड हो गई, हर एक लाइन क्या हो गई, इंक्लाइंड हो गई। ठीक है, पहले सारी लाइंस क्या थी, एकदम सीधी, और हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल सरफेस पर हैं, पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की पैरेलल है, सरफेस पर है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आ रही है, तो पहले जो लाइन पैरेलल हुआ करती थी, जो लाइन एकदम सरफेस पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल थी, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या थी, पैरेलल। तो जो लाइन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल थी वो लाइन अब क्या हो गई, वो लाइन तिरछी हो गई, ऐसे घूम गई थोड़ी सी आगे, क्योंकि आपने इसको उधर घुमा दिया और इसको इधर। तो इस पर जब आप टॉर्क इधर लगाए और इधर रेजिस्टिव लगाए, तो जैसे लगाए जो लाइन पैरेलल थी वो ऐसे आगे बढ़ गई, ये लाइन थोड़ी सी पीछे हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बिकम्स ट्विस्टेड, लॉन्गिट्यूडनल लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, ट्विस्टेड हो जाएंगी, रेडियल लाइंस रिमेंस स्ट्रेट। अब जो लाइंस ऐसे सीधी थी, अभी भी ऐसे सीधी, ऐसे ऐसे ढेर सारी लाइन है, तो जब ये आपका आगे बढ़ जाएगा तो वो लाइन थोड़ी सी आगे हो जाएगी, ऐसे सर्किल में जो लाइन ऐसे सीधे दिख रही थी घूमने के बाद यहां आगे बढ़ चुकी होगी कि नहीं, और जो आगे ये बढ़ चुकी होगी इसका ये जो एंगल होता है, इसको एंगल, इसी को, इसी थीटा को हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि हमारा जो पॉइंट यहां हुआ करता था, जो इनिशियली यहां पॉइंट था वो फाइनल यहां आ गया। अगर हम इसी पर एक कोई पॉइंट मार्क कर लें, इसी पर कोई एक पॉइंट क्या कर लें, मार्क कर लें, और उससे कहें अब क्या होगा, तो घूमने के बाद वो पॉइंट आगे बढ़ चुका होगा, घूमने के बाद वो पॉइंट क्या होगा, आगे बढ़ चुका होगा। और थोड़ा आसान से देखिए, इसको छोड़िए अभी, ये एक बार हम खुद ही अपने तरीके से कर लेते, क्लियर, ठीक है, फिर बुकलेट का देखेंगे, हम लोग सहारा लेंगे। ठीक है, अब अगर इनिशियली देखें तो एक ऐसे एक लाइन हमने अलग कलर से ड्रॉ किया,
ये आपका अलग एक इनिशियल लाइन था, सरफेस पर था, ये लाइन सरफेस पर था, हमने यहां क्रॉस सेक्शन पर बनाया और क्रॉस सेक्शन में ये पॉइंट यहां दिखा, तो एकदम टॉप सरफेस पर है तो ये पॉइंट आपको यहां दिख गया। जब आपने टॉर्क लगाया, इसको इधर घुमाया, जैसे घुमाया तो ये लाइन थोड़ी सी आपकी ऐसे हो गई, ये लाइन। तो अब ये पॉइंट आपका यहां पहुंच गया, तो पहले सेंटर से ये लाइन थी, अब सेंटर से मिलाने वाली लाइन ऐसी हो गई। अब अगर पहले यहां सेंटर था तो पहले तो यही आपकी रेडियल लाइन थी, अब घूमने के बाद तो ये रेडियल लाइन हो गई ना, तो ये जो घूमा है, ये जो एंगल रोटेट किया है, यही आपका थीटा है, इसी को हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखो, जो लाइन इनिशियली पिंक हुआ करता था, टॉर्क अप्लाई करने के बाद जो लाइन इनिशियली पिंक हुआ करता था, टॉर्क रोटेट होने के बाद वही फाइनल लाइन इंक्लाइंड हो गया। जो आपकी रेडियल लाइन सेंटर से पहले मिलाने पर हुआ करती थी ऐसे, वो थोड़ा घूम गई, और जो एंगल वो घूमी उसी को हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, यही आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्लियर है। अब इसी में अगर हम आपसे कहें कि एक कोई शाफ्ट है ऐसे, ये इसको हम इधर फिक्स कर दिए, फिक्स करने का मतलब तुम्हें घूमने नहीं देंगे, फिक्स का मतलब तुम्हें घूमने नहीं देंगे, समझ में आ रहा? और जब तुम्हें घूमने नहीं देंगे तो जो लाइन ऐसे थी ऐसे रहेगी, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस हो गया। जब आपको हम रोटेट किए, क्या किए, ऐसे टॉर्क लगाए टी, तो जब आप कोई टॉर्क टी लगाएंगे, अब ध्यान सुनिएगा, जो लाइन आपकी ऐसे सीधी थी, जो लाइन यहां सर्किल पर यहां थी, ये सेंटर, वो लाइन ऐसे थोड़ा सा घूम जाएगी, यही लाइन, ये इनिशियल था, ये क्या था, इनिशियल, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल, ये वाला लाइन आपका क्या हो गया, फाइनल। और जब ये फाइनल हो गया तो ये पॉइंट आपका घूम के यहां पहुंच गया। जब आप घुमा दिए, जो सरफेस पर था पिंक कलर था, वो घूमने के बाद आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद ये एंगल क्या हो गई, एंगल ऑफ ट्विस्ट। समझ में आपको आया होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी तो कुछ घूम गया, ये वाला एंगल जो घूमा, इसको हम शियर एंगल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, शियर एंगल। कोई जो सरफेस पर, आप खुद सोचिए कि जो आपके सरफेस पर जो लाइन थी, जो लाइन यहां ऐसे सरफेस पर थी, जब घूमेगी तो ये लाइन ऐसे तिरछी हो जाएगी, और जब ये लाइन तिरछी हो गई सेंटर से, ऐसे ये कुछ घूम जाएगी, तो ये एंगल जो आपका, ये फिक्स एंड है मान लो, तो ये एंगल आपका शियर एंगल है, इसको हम शियर एंगल बोलते हैं। और ये वाला जो एंगल है ये, इसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं, थीटा। समझ में आया कि नहीं? आपको एकदम सिंपल सिंपल चीजें करा रहे हैं कि एक ऐसे शाफ्ट है, और जब आप इसको फिक्स कर रखे हैं, यहां पर कोई लाइन आपकी थी पहले, ऐसी सीधी लाइन थी, जब ये घूम गई, क्यों घूम गई, क्योंकि आपने टॉर्क टी लगाया, तो जो ऐसे सेंटर की तरफ लाइन थी वो घूमने के बाद ऐसे हो गई, और जब ऐसी आपकी घूमी हुई फाइनल लेंथ, ये फाइनल है, ब्लू कलर जो है वो फाइनल, तो यहां पर भी तो आपका रोटेशन हुआ, ये फाई है और ये थीटा है, ये फाई है, क्या है, थीटा है, और फाई आपका क्या है, शियर एंगल, फाई आपका क्या है,
सियर एंगल और थीटा आपका क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट। अच्छा एक बात, इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो तो कॉमन क्या है, ये आपका फाई था कोई बात नहीं गुरुजी, ये फाई है ठीक है। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाली लंबाई दोनों में कॉमन है, ये वाली लंबाई क्या है दोनों में कॉमन है। तो अगर हम देखें ये वाली लंबाई दोनों में कॉमन दिख रही होगी आप सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लंबाई टोटल एल हो, टोटल लेंथ क्या हो एल हो, तो जो एलो कलर की कॉमन लाइंस हैं, जो कॉमन लाइंस हैं फाई से पूछे तो फाई इंटू एल बताएगा, फाई से अगर पूछे तो फाई इंटू एल बताएगा, और अगर इससे पूछे तो ये थीटा इंटू आर बताएगा, इससे अगर पूछे तो क्या बताएगा थीटा इंटू आर बताएगा, फाई इंटू एल। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू थीटा आर बाई एल, फाई इक्वल टू थीटा आर बाई एल। ये रिलेशंस पूछे भी जाते हैं कि शियर स्ट्रेन मींस फाई इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा अपॉन एल लेंथ इनटू आर, आर इज द रेडियस, रेडियस आपको पता हो तो फाई इक्वल टू थीटा आर बाई एल। कुछ नहीं किया है, यहां से अगर चाप निकालो तो ये चाप कहेगा थीटा इंटू आर, यहां से चाप कहेगा थीटा इंटू आर, और वहां से फाई कहेगा फाई इंटू एल, दोनों बराबर कर दिए तो ये रिलेशंस आपके आ गए। आपको चीजें दिख रही है सब कुछ कैसे घूमते हुए। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, पर ये जो एंगल घूमा है ये एंगल फाई है, ये क्या है फाई है, ये क्या है फाई है, कितना वो प्लेन घूम गया आपका फाई है। तो ध्यान से आप इन सबको देख लीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब फ्री एट फ्री एंड फाई इक्वल टू आर थीटा बाई एल, या हमने थीटा आर बाई एल किया, आर क्या है रेडियस फॉर आउटर सरफेस, आर क्या है रेडियस फॉर आउटर सरफेस, और थीटा बाई एल जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन लेंथ है, या फिर एट फ्री एंड और डिस्टेंस एल फ्रॉम फिक्स एंड। तो थीटा एल जो है, एल क्या है लेंथ है, कहां पर फ्री एंड या फिर एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द फिक्स एंड। अब क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑन शियर स्ट्रेन एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पर ओ वन ओ टू जो है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये ओ वन ओ टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ओ वन ओ टू आपका ओ वन और यहां पर ओ टू, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। एक कोई लाइन ओ ए ओ वन ए है, रेडियल लाइन है, ये डिस्टेंस क्या है आर, ये ए जो है ये रेडियस है। तो हम सब लोग अलग अलग चीजें समझने की कोशिश करेंगे। इसी में आपने सरफेस पर, सेट के सरफेस पर एक लाइन बी लिया, ए बी लिया, सेट के सरफेस पर एक लाइन आपने क्या लिया ए बी लिया, ये पहले सिचुएशन थी सेट की। जब आप रोटेट कर रहे, जब आप इसको घुमा दिए, तो जैसे एक सेट था, मोटा सा सेट था, ये मोटा सा सेट था, यहां सेंटर लाइन जो है ओ वन ओ टू है, सेंटर लाइन आपका क्या है ओ वन ओ टू है, चलो भाई, और सेंटर लाइन के बजाय टॉप सरफेस ए बी है, टॉप सरफेस क्या है ए बी है, तो आपने ओ वन ओ टू ऐसे इन सबको मिला दिया। जब आप टॉर्क अप्लाई करेंगे, जब आप टॉर्क क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, जैसे टॉर्क अप्लाई करेंगे बी जो होगा वो बी डैश पे घूम के पहुंच जाएगा, बी जो होगा वो घूम के कहां पहुंच जाएगा वी डैश पर, मतलब ये थोड़ा पीछे आ जाएगा, यहां कहीं पहुंच जाएगा, ये वाला घूम के यहां कहीं पहुंच जाएगा, तो वी वी डैश पर। अगर हम इसी पर और ढेर सारे पॉइंट्स लें,
अगर हम इसी पर और ढेर सारे पॉइंट्स लें, O2B पर, किस पर? O2B पर, यहां Q है, यहां Q डैश है, तो Q और Q डैश आपको दिख रहा होगा, Q और Q डैश, तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको क्या यहां पे दिख रहा है? आपको ये दिख रहा होगा कि Q Q डैश यहां पहुंच गया। ऐसे अगर हम यहां से देखें तो जो आपका P था वो यहां पहुंच गया, जो लाइन OB थी, वो O2B डैश हो गई। तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट है। और ए यहां से अगर आप देखें तो ये यहां पर पहुंच गया, तो ये फाइव बी है। ऐसे अगर जो लाइन आपकी सीधी पहले हुआ करती थी वो ये डॉटेड लाइन आपका फाइव क्यू हो गया, ये फाइव क्यू हो गया, ऐसे फाइव पी हो गया। अब ध्यान से देखिए, किसी एल दूरी पर हम किसी रेडियस का देखें तो एंगल ऑफ ट्विस्ट तो कांस्टेंट है। किसी एल दूरी पर गए तो एंगल ऑफ ट्विस्ट ओ टू बी जो है वो आपका ओ टू बी डैश हो गया। ऐसे अगर आप देखिए तो पीपी भी उतना ही घूमा, क्यू क्यू डैश भी उतना ही घूमा, बीबी डैश भी जितना घूमा। तो किसी एल डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए इस पर हम अलग अलग आर पर चर्चा कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं? अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो किसी एल दूरी पर किसी भी रेडियस पर एंगल ऑफ ट्विस्ट सबका सेम है। एंगल ऑफ ट्विस्ट सबका क्या है? सेम है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट चाहे पी का पूछो, चाहे क्यू का पूछो, चाहे बी का पूछो, सबका एंगल ऑफ ट्विस्ट तो सेम है, पर सबका शियर स्ट्रेन सेम नहीं है। क्योंकि यहां पर पी का अगर आप ये देखेंगे तो ये चाप कम है, तो क्या होगा? फाई क्या है? वेरिएबल है। फॉर एनी आर किसी आर डिस्टेंस पर थीटा इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो किसी एल लंबाई पर एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, पर शियर स्ट्रेंथ क्या है? वेरिएबल है। ध्यान रखिएगा, फाई इक्वल टू आपने बताया थीटा बाय एल इनटू आर। जैसे जैसे आप थीटा, किसी एल दूरी पर थीटा बाय एल कांस्टेंट होगा तो फाई प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? आर। तो यहां पे आप देखिए, जैसे रेडियस, जैसे कुछ दूर पर पी का पूछे उसका फाई अलग होगा, क्यू अगर पूछे उसका फाई अलग होगा, बी पर पूछे उसका फाई अलग होगा, जो सबसे टॉप सरफेस पे होगा उसका एंगुलर ट्विस्ट मैक्सिमम होगा। तो फाई आर के प्रोपोर्शनल है, शियर स्ट्रेन अलग अलग रेडियस पर अलग अलग होगा। जैसे पी पर पूछा गया अलग, क्यू पर अलग और बी पर अलग, तो अलग अलग रेडियस पर शियर स्ट्रेन अलग अलग होता है। शियर स्ट्रेन रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन कहां मिलेगा? तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस बीबी डैश जाएंगे तब मिले। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस का शियर स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, आउटर सरफेस का शियर स्ट्रेन मैक्सिमम। देखिए इसी में शियर एंगल क्या था, हेडिंग इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, change of क्या? R, change of rate on shear strain and angle of twist. तो location of section from fixed end is same. Angle of twist सबके लिए PQR, R बदल रहे हो तो PQR सबके लिए थीटा क्या है? Same है। तो angle of twist it does not depend upon the radius. Angle of twist does not depend upon the radius. But for F या फिर P के लिए जब देखे तो 5P जो आया, 5P वो आया PP डैश अपान L, वे लंबाई L है। ऐसे QQ डैश अपान L, B के लिए BB डैश अपान L, और चूंकि BB डैश, QQ डैश, PB डैश, BB डैश सबसे बड़ा है, QQ डैश छोटा है और PB डैश, तो यहां से आप कह सकते हो कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो B का होगा। ये सब आप बता सकते हैं कि B के लिए, अरे भाई B के लिए 5B जो होगा वो क्या होगा? वो होगा BB डैश अपन L, और Q के लिए होगा QQ डैश अपन L, P के लिए होगा PP डैश अपन L। तो यहां से 5B इक्वल टू 5 मैक्स आ जाएगा। आगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अब देखिए R, फिर से सुनिएगा,
किसी एल दूरी पर अगर हम जाते हैं, किसी जनरल एल दूरी पर जाते हैं, तो किसी भी आर पर थीटा कांस्टेंट होता है। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? सेम होता है, पर अलग अलग आर पर शियर स्ट्रेन अलग अलग होता है। तो पहला हमारा टारगेट था कि एल को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस वेरिएबल हो, एल को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस वेरिएबल हो। तो जब एल कांस्टेंट होगा, थीटा कांस्टेंट होगा, किसी एल दूरी पर जाए थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट उसका कांस्टेंट होगा, पर हर एक रेडियस पर शियर स्ट्रेन अलग अलग होगा। क्लियर हुआ ना? तो अब अगला इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का चेंज का प्रभाव पड़ना है फ्रॉम फिक्स एंड ऑन शियर स्ट्रेन एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब जैसे हमने क्या किया, O1 O2 ऐसे ही है, अभी O1 O2 आपका सेंट्रल है, AB आपने एक डिस्टेंस ले लिया, ऐसे ये डिस्टेंस थी। अब आप क्या कर रहे हैं कि R फिक्स कर दिए कि भैया हम केवल B की बात करेंगे, केवल टॉप सरफेस की बात करेंगे, R हमारा फिक्स है। अब अगर हम अलग अलग L पर लें, अलग अलग किस पर लें, L पर लें, जिसे हमने क्या किया L1 ले लिया, दूसरे के लिए L2 लिया, X2 ले लिया, यहां पर X1 ले लिया और X2 ले लिया। मान लीजिए कि हमने X1 और X2 ले लिया, ऐसे X3 ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब बताइए सबका एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या सेम होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो टॉप सरफेस का सबका शियर एंगल तो सेम है, सबका फाई क्या है, सेम है, सबका फाई तो सेम है, सबका फाई सेम है, एंगल ऑफ क्या है, शियर एंगल सबका सेम है। ध्यान से देखो तो सबका शियर एंगल तो सेम है, किसी पर्टिकुलर आर पर अगर डिस्टेंस बदल दें, यहां पर्टिकुलर आर में हमने आउटर ही मान लिया, तो अगर डिस्टेंस बदल दें तो हर एक एल लंबाई पर, किसी एल लंबाई पर फाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई आपका जैसे था वैसे अभी सबका है। तो फाई पर कोई एंगल ऑफ ट्विस्ट पर, सॉरी शियर एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट कांस्टेंट रेडियस आर, जैसे आपने कैपिटल आर ले लिया, एट कांस्टेंट आर क्या होगा, एल वेरिएबल है, लंबाई हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो L अगर वेरिएबल है तो आप देखेंगे यहां पर जैसे जैसे L बढ़ रहा है थीटा B, यहां पे आप देखें तो थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा T इज ग्रेटर देन थीटा S, S यहां पर है, यहां T है, तो T का थोड़ा सा कम, S का थोड़ा सा कम, O1A घुमा ही नहीं, O1A घुमा नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहां से कि फाई कांस्टेंट होगा, किसी पर्टिकुलर रेडियस पर फाई क्या होगा, जैसे यहां पे टॉप मोस्ट ले लिया, कोई भी रेडियस ले लीजिए, ये कोई रेडियस ले लीजिए जनरल, तो इसका भी हर जगह आर तो कांस्टेंट होगा, आर तो हर जगह क्या होगा, मतलब फाई कांस्टेंट होगा, फाई कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर रेडियस पर, बट थीटा वेरिएबल होगा। अल्टीमेट बात दो तीन हम कंक्लूजन दे रहे हैं, एक आपका L है और एक आपका R है। पहला L को कांस्टेंट करने पर जैसे लंबाई कांस्टेंट करोगे तो आपका तुरंत फाई यहां से कांस्टेंट आए, सॉरी थीटा आपका कांस्टेंट आएगा। किसी पर्टिकुलर लेंथ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट कांस्टेंट होता है और फाई प्रोपोर्शनल टू R होता है, फाई क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू R होता है, फाई वेरिएबल होता है, एंगल शियर स्ट्रेन हर एक रेडियस का अलग अलग होता है। दूसरा आपने किया कि एल आर को अगर कांस्टेंट किया, रेडियस को आपने कांस्टेंट किया, तुरंत आपका आएगा कि फाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो पर्टिकुलर रेडियस पर किसी भी लंबाई में जाइए, पर्टिकुलर रेडियस पर किसी भी लंबाई में जाइए तो आपका फाई हर जगह सेम ही सेम मिलेगा। तो फाई कांस्टेंट होगा पर क्या होगा, थीटा प्रोपोर्शनल टू एल होगा, वेरिएबल होगा। जैसे इससे लंबाई बढ़ाओगे थीटा का मान बढ़ता जाएगा, जहां पे क्या है L लेंथ है, यहां पे आप ध्यान दीजिए L क्या है, लेंथ, R क्या है, रेडियस,
आर आपका क्या है रेडियस, थीटा क्या है, फाई क्या है शियर स्ट्रेन, फाई इक्वल टू शियर स्ट्रेन और थीटा इक्वल टू आपका क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो किसी पर्टिकुलर लंबाई पर थीटा डिपेंड करता है, किसी पर्टिकुलर रेडियस पर फाई डिपेंड करता है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ फॉर पर्टिकुलर रेडियस, एक समय दोनों नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो अब हम सब लोग यहां पर क्लियर हो लिए, सारी चीजें समझ में आ गई। मैक्सिमम जब आपको रेडियस इक्वल टू कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे आर हमने कांस्टेंट ले लिया, तो फाई सबका सेम होगा, चाहे जहां और आगे चले जाइए और आगे फाई हर जगह सेम होगा किसी पर्टिकुलर रेडियस का। आगे अगला एंगल ऑफ ट्विस्ट, अगर उसी पिछले वाले फिगर को देखें तो जैसे आप करेंगे ऐसे यहां पर और एक्स क्या डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स एंड, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो बी का सबसे ज्यादा होगा। इस फिगर में बी का एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा सबसे ज्यादा, थोड़ा सा इसका टी का कम, एस का सबसे कम। तो जैसे जैसे आप देखें तो बी का एंगल ऑफ ट्विस्ट सबसे ज्यादा, फिर फाई मैक्स अगर तो मैक्सिमम लेंथ पर मैक्सिमम आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, मैक्सिमम लेंथ पर मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा। और यहां से अगर आप देखें तो शियर स्ट्रेन सबका बराबर है पर्टिकुलर रेडियस आर पर, पिछले फिगर का एक्सप्लेनेशन था। इट डज नॉट या इट इज, इट डज नॉट कर लीजिए, इट डज नॉट कौन सा है फाई, तो फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फिक्स एंड। अब टॉर्सन के फॉर्मूले का डेरिवेशन कितना आसान, कुछ है नहीं यार। आप बताओ फाई निकाल चुके हो, फाई होता है थीटा आर बाई एल, थीटा आर बाई एल, तो क्या करेंगे आप टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई करोगे, टाउ इक्वल टू जी फाई करोगे, और टाउ इक्वल टू जी फाई का मतलब क्या हुआ थीटा आर बाई एल, तो यहां से टाउ बाई आर इक्वल टू आएगा जी थीटा बाई एल। यही आपका टॉर्सन का एजेंशन। अब ये सब चीजें कब कब वैलिड है, देखिए टॉर्सन फार्मूला बहुत कठिन नहीं है, टॉर्सन बहुत आसान फार्मूला। कुछ अगर आपको याद हो तो बेंडिंग में भी यही चीज हमने की थी, बेंडिंग में हमने क्या किया था कि स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, और फिर उसके बाद आ गया था सिग्मा वाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। किसी आर वाई डिस्टेंस पर आपने स्ट्रेन निकाला था और उसी को क्या कर दिया था स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल, और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल कौन कहता है हुक्स लॉ कहते हैं, कोई बहुत नई चीज ये नहीं है हमारे लिए। अब तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर जी आया और जी को ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। अब शुरू से बात करते हैं, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तब होगा जब आपका मेटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक लीनियरली इलास्टिक हो, लोडिंग विद इन इलास्टिक हो, तो ये तीन एजेंशन तो होना ही है। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक लीनियरली इलास्टिक मेटेरियल के लिए टॉर्सन फॉर्मूला वैलिड है, पहली बात, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक लीनियरली इलास्टिक मेटेरियल। तीसरी बात, आप जो यहां पर फाई अब लिखने जा रहे हो, फाई इक्वल टू थीटा आर बाई एल, ये आप क्या रेक्टेंगुलर में लिख सकते हो, नहीं, चाप ही तो बराबर करके किया है, चाप ही तो बराबर किया, फाई से पूछ लिए तो फाई इंटू एल, और थीटा से पूछ लिए तो थीटा इंटू आर, तो जब चाप बराबर किए हो तो किसके हिसाब से सर्कुलर, तो मटेरियल आपका शेप जो होना चाहिए वो सर्कुलर होना चाहिए, नॉन सर्कुलर शेप्स के लिए टॉर्सन फॉर्मूला वैलिड नहीं है। मेंबर पहले स्ट्रेट होना चाहिए, ट्विस्ट होने के बाद भी आपका फ्लैट सरफेस, फ्लैट रेडियस, रेडियस ही रहना चाहिए। तो देखिए मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इनवर्सल एजम्पशंस, एजम्पशंस किसके लिए फॉर टॉर्सन, टॉर्सन के लिए एजम्पशन। तो सर जब ये अप्लाई किए तो हम खुद ही जो चीजें मानी थी वही हम बोल दे रहे हैं, तो यहां पर आप कह सकते हो कि होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग ऑफ द सेट शुड बी इन इलास्टिक रीजन, विद इन इलास्टिक रीजन ही आपकी बात होनी चाहिए, और मटेरियल आपका सर्कुलर, ये बहुत अंडरलाइन कि सर्कुलर सेक्शन, यहाँ आई सेक्शन जेड सेक्शन की बात ही नहीं है, तो मटेरियल क्या होना चाहिए ओनली फॉर
सर्कुलर सेक्शन, क्योंकि फाई इक्वल टू थीटा आर बाई एल सिर्फ सर्कुलर के लिए, वो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, वो ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है हॉलो भी हो सकता है वो ठीक है, पर सर्कुलर होना चाहिए, प्रिज्मेटिक मेंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रिज्मेटिक मतलब लंबाई की अलोंग क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट, सर्कुलर अगर है तो सर्कुलर पूरा रहे, तो प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए, अगर प्रिज्मेटिक नहीं है तो, अगर प्रिज्मेटिक नहीं है तो हम पार्ट वाइज करके करेंगे, पर ये जो डेरिवेशन अभी हमने किया था ये टॉर्सन फॉर्मूला का, हमने प्रिज्मेटिक मान के ही बात की है, प्लेन सेक्शन जो आप ऐसे आप चेक किए ये सर्कुलर अभी प्लेन है, तो घूमने के बाद ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ था वो यहाँ घूम के आ जाए वो ठीक है, जो पॉइंट ऊपर था वो घूम के आगे चला, पर रोटेशन अभी भी डिस्क डिस्क ही रहे, प्लेन सेक्शन प्लेन ही रहे आफ्टर ट्विस्टिंग, मतलब इसको हम आगे कहेंगे नो वार्पिंग, क्या हो, नो वार्पिंग हो, कोई वार्पिंग ना हो, नो वार्पिंग इफेक्ट, जैसे आप घुमाए ये प्लेट जो प्लेन था वो प्लेन ही अभी भी रहे, इन्हें की टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक में आपका कोई वार्पिंग नहीं होगा, बात समझ में आ रही, तो इसको हम कह सकते हैं नो वार्पिंग, ये आपका एजेंशन है, रेडियस आपको कॉन्स्टेंटली, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, भाई हुक्स लॉ ही ये भी है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन, टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया फाई, और टाउ इक्वल टू जी फाई, जी क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसी को हम क्या कहेंगे शियरिंग मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या इसी को हम क्या कहेंगे शियरिंग मॉडुलस, और टाउ के साथ अगर हम याद देखें तो टाउ इक्वल टू जी फाई पहला बेसिक, टाउ इक्वल टू जी थीटा आर बाई एल ये बेसिक, तो यहां से टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं जी थीटा बाई एल इंटू आर, अब यहां पे जैसे लिखेंगे एट पर्टिकुलर एल, जैसे आप पर्टिकुलर एल की बात कर दिए, जैसे पर्टिकुलर लेंथ की बात कर दिए, तो जब लेंथ आपका पर्टिकुलर तुरंत थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तुरंत आपका क्या हो जाएगा थीटा कांस्टेंट, तो किसी पर्टिकुलर लेंथ पर थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, अलग अलग रेडियस पर आपका थीटा अलग अलग होता है, सॉरी अलग अलग लेंथ पर थीटा अलग होता है, पर पर्टिकुलर एल पर, किसी पर्टिकुलर एल पर थीटा इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका क्या होगा कांस्टेंट, तो जैसे आप पर्टिकुलर लेंथ, इसलिए हम थीटा को इंटरेस्ट ही नहीं रखते, थीटा बाई एल को इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि थीटा बाई एल जो आपका होगा वो जनरली कांस्टेंट ही होगा, तो जब थीटा बाई एल कांस्टेंट होगा तो आप यहां से लिख सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल टू आर, तो शियर स्ट्रेस रेडियस के लिनियरली वेरी करता है, लिनियर रिलेशनशिप यहां पे लिखा हुआ है, शियर स्ट्रेस क्या होगा रेडियस के लिनियरली, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां होगा, तो आगे ध्यान से अब यहां पर और सब चीजें हम लोग आने वाले सेशन में अगले सेक्शन में करते हैं, टाउ प्रोपोर्शनल टू आर, देखिए टॉर्सन क्या है, किसी भी एक्सिस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट कपल लगाने पर ट्विस्ट हो जाना, ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन ही टॉर्सन कहला रहा है, सेट में ऐसा होगा पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी, टॉर्क अप इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो ये आपको बेसिकली बता दिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट और शियर स्ट्रेन को हमने डिटेल में बता दिया कि किसके साथ क्या वेरी करता है, फिर उसके बाद आया टाऊ, जो आपने एजेंशंस माने उसको इस लेक्चर में कर दिया, और फिर शियर स्ट्रेस का रेडियस के साथ वेरिएशन की बात हम सब लोगों ने कर ली, शियर स्ट्रेस का रेडियस के साथ वेरिएशन की बात हम सब लोगों ने की, तो वो भी आपको क्लियर हो गया, अब हम सब लोग अगले समय में सबकी एनालिसिस, फॉर्मूला इतने पे ही सीमित है, इसके आगे हम सब लोग बढ़ते जाएंगे, टॉर्सन का जनरलाइज कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप रेगुलर क्लासेस करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।